Hey, good morning dear students. Yesterday we finished the exercise A. So today we will do the exercise B. I hope you have understand yesterday exercise A. So let's start with the exercise B. See here we have a column A and B. So I have written down the column A. बच्चों देखो यहाँ पे हम आज क्या पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज बी और मैं आशा करती हूँ कि कल जो एक्सरसाइज हमने ए लिया था आपको कोई वहाँ पे दिक्कत ना गई हो. सो आई एम रीडिंग आउट मैच द सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. क्या बोला है कि हमको यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए रहेंगे और यहाँ पे बी कॉलम में क्या दिए रहेंगे प्रेडिकेट दिए रहेंगे. तो हमको इस मतलब यहाँ पे जो 10 वाक्य दिए गए हैं और बाजू में जो उनके प्रेडिकेट्स दिए गए हैं हमको उसको क्या करना है द सुटेबल वन वी हैव टू मैच इन देयर सब्जेक्ट विद प्रेडिकेट. ओके सो देखो ये जो हमने लिखा है यहाँ पे दीज ऑल आर द सब्जेक्ट. ओके दीज ऑल आर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में क्या क्या है लाइक बैट रोहित आई लंच वी मिस्टर गुप्ता रामदीन वी और मोर टू आर लेफ्ट सचिन तेंदुलकर एंड शी. ओके सो इसके बाजू में भी दिया है वहां पे इनके प्रेडिकेट्स दिए गए हैं. प्रेडिकेट्स कौन से दिए गए हैं कि वर्क्स इन ऑफिस. सी हमको ना ये जो दिए गए जो सब्जेक्ट है और कॉलम बी में हमको वी हैव टू चूज द परफेक्ट वन. ओके सो लेट्स स्टार्ट बैट्स. देखो यहाँ पे सब्जेक्ट में फर्स्ट दिया है बैट्स तो हमें वी हैव टू ऑल द राइटेड सॉरी वी हैव टू ऑल द रीडेड आउट कि वहाँ पे कौन सा हमको बेस्ट मतलब सूटेबल लग रहा है विच इज द परफेक्ट. ओके दोज हु हैव राइटेड डाउन द करेक्ट वन आंसर. सी बैट्स का क्या आएगा आपको भी पता है बैट्स जो रात को निकलते हैं है ना. तो यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है ए तो नहीं हो सकता कि वर्क्स इन एन ऑफिस. बैट्स क्या वर्क्स ऑफिस में वर्क्स करते क्या नेवर. सेकेंड वन टॉक्स लाउडली ही नेवर टॉक्स. ओके थर्ड है ड्रिंक्स मिल्क ट्वाइस अ डे वो भी नहीं है. बैट्स का भी देखा हमने कि वो दूध पीते हैं तो आंसर वो भी नहीं है. नेक्स्ट क्या है डज नॉट मेक अ मिस्टेक इन हिज वर्क वो अपने वर्क में कभी ही मिस्टेक नहीं करता ये भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट वन लुक फॉर फूड एट नाइट वो क्या करता है लुक एट फूड एट नाइट. तो हमको सबको पता है जो भी चमगादड़ जो बैट्स है वो कब निकलते हैं रात को. तो ऑब्वियसली द राइट आंसर इज लुक फॉर फूड एट नाइट मतलब वो रात को निकलते हैं. किस लिए निकलते हैं फॉर अ फूड मतलब फूड के निकलते हैं. तो व्हाट इज द परफेक्ट वन मैच कौन सा मैच होगा यहाँ पे इट्स अ ई लुक लुक फॉर अ फूड लुक फॉर अ फूड एट नाइट मतलब वो कब निकलते हैं वो रात को निकलते हैं अपने खाने की तलाश में. आगे आपको समझ में तो इसी प्रकार वी हैव टू टेक वन बाय वन वी शुड मैच देयर प्रेडिकेट्स. ओके नेक्स्ट वन रोहित. रोहित का क्या आएगा जो हमने ए में पढ़ा था. सी लुक एट योर बुक इट्स अ फर्स्ट कॉलम दे शुड हैव गिवन द सब्जेक्ट एंड सेकंड कॉलम इज दे हैव गिवन टू प्रेडिकेट्स. वी हैव जस्ट उनका मीनिंगफुल हमको ढूंढना है और सर्च करके हमको क्या करना है यस द राइट डाउन द आंसर्स. सेकंड क्या है रोहित तो हमको यहाँ पे सर्च करना है वहां का आंसर क्या आएगा रोहित का वर्क्स इन एन ऑफिस मतलब वो रोहित क्या करता है ऑफिस में काम करता है. तो इसका व्हाट इज द करेक्ट वन वर्क्स इन एन ऑफिस रोहित क्या करता है ऑफिस में काम करता है. आगे समझ में सेम लाइक दैट थर्ड वन इज आ सी आई के साथ यू हैव टू मैच द परफेक्ट वन. आई के साथ क्या आएगा आई सो आई प्रे टू गॉड एवरी डे हम क्या करते हैं सॉरी हम मीन्स आई मैं डेली गॉड को क्या करती हूँ प्रे करती हूँ. तो वॉट इज द परफेक्ट
What is the perfect man? Pray to God means I pray to God. I pray to God every, sorry, G, you should write it down, G is a capital one. God every day. Understood? See, क्या आएगा? I pray to God every day. मतलब मैं daily God को क्या करता हूँ? Pray करता हूँ. Okay. Next, lunch. Everyone know about what is a lunch? Lunch क्या है? दोपहर का खाना. Okay. तो lunch में क्या है? देखो, अब हमने खाना तो बोला है, तो देखो प्रेडिकेट में वहां पे ऐसा कोई वर्ड्स है क्या कि जो हमको उससे रिलेटेड करता है. सी द इट्स अ आई, फाइंड करो बेटा. वहां पे प्रेडिकेट्स में आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट्स अ नाइंथ वन आई. क्या, व्हाट इज द आंसर? इज द सेकंड मील ऑफ द डे. लंच इज, लंच इज द